आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। धर्मस्थलों में तय मानकों की अवहेलना करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउड स्पीकरों को सरकार की ओर से हटाने के आदेश के बाद प्रदेश भर में इसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान कई धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को तय मानकों के तहत ही बजाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कहा गया था कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहनी चाहिए ताकि इससे किसी और को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस आदेश का असर भी देखने को मिला है। कई जगह पर वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर को या तो हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है या उसकी आवाज धीमी कर दी गई है। तो अभी तक आदेश नहीं मिला। सभी धार्मिक स्थलों पे एक तो लाउड स्पीकर उतारने का और दूसरा जो है आवाज कम रखने का, क्योंकि धार्मिक सौहार्द और इस देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि सरकार का निर्देश है और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी शक्तिपीठ पाटन मंदिर से जो है चार स्पीकरों में से तीन स्पीकर उतार दिए गए हैं और सरकार का समर्थन किया गया है। जनपद कन्नौज में जो मानक से अधिक और मानक से तीव्र आवाज में जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे उन सबको हटाने की कार्रवाई जारी है। इस क्रम में हमने लगभग 50 लाउड स्पीकर अवैध रूप से ज़्यादा लगा दिए गए थे उनको उतरवाया गया, एवं लगभग 400 लाउड स्पीकर जो तीव्रता का मानक का उल्लंघन कर उसे तेज बज रहे थे उनकी आवाज़ कम करवाई गई है। शासन द्वारा गाइडलाइन निर्गत हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसमें डेसिबल लेवल सभी के निर्धारित किए गए हैं और सभी के डेसिबल लेवल चेक किए जा रहे हैं। और जैसा कि शासन द्वारा भी अवगत कराया गया है कि जो लाउड स्पीकर किसी मंदिर या मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर लगे हैं उनकी आवाज़, उनकी ध्वनि इतनी होनी चाहिए कि उस परिसर के अंदर बनी रहे, जिससे आदमी स्वतंत्र रूप से अपने धर्म के हिसाब से अपनी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगल बगल जो रह रहे लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। इसलिए जो अलग अलग लाउड स्पीकर जो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह लगे हैं सभी वहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बातचीत करके जो मिनिमम लेवल ऑफ डेसिबल निर्धारित है उसी अनुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में जगत गुरु परमहंसाचार्य को परिसर में एंट्री नहीं देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जगत गुरु परमहंसाचार्य अयोध्या से आगरा आए थे। वो यहां ताजमहल में एंट्री करना चाहते थे लेकिन उनके भगवा कपड़ों की वजह से पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। वहीं जगत गुरु ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है। एक मामला आया है, कल एक अयोध्या से महंत आए थे ताजमहल देखने के लिए। उनका आरोप है कि उन्हें ताजमहल के अंदर एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवा पहने थे। कितनी सच्चाई है, क्या मामला संज्ञान में आया? इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया, उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे, उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना
देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और चौथी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं आपके साथ प्रवीण मिश्रा। आपको रियलिटी चेक कराने के लिए हम लोग इस समय गाजियाबाद में स्थित है, गाजियाबाद के वैशाली में। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो खरीदारी करने आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, हम इस समय दुकानदार के पास में हैं और दुकानदार किस तरह से कोविड नियमों का पालन करवा रहे हैं, खासतौर पर जो यहाँ के ग्राहक आते हैं, ग्राहकों को किस तरह से गाइडलाइंस का पालन होता है, किस तरह से उनको समझाया जाता है, खासतौर पर ये हमारे साथ दुकानदार हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे किस तरह से ये सावधानियाँ बरती जा रही है। क्या नाम होगा आपका? पंकज शर्मा। सबसे पहले तो हम उनको ये कहते हैं कि आप जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता उनको कहते हैं पहले आप तो मास्क लगाइए, और जैसे कहा है सबने कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो उसने हम डिस्टेंस मेंटेन करके हम उनको चीज़ें दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। जो कुछ लोग समझते नहीं लेकिन उनको समझाते हैं, बाद में समझ जाते हैं। नहीं, जैसा कि WHO बता रहे हैं कि अब जो चौथी लहर का जो संक्रमण का जो चौथी लहर आने का आशंका जता रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, आगे की जो कार्यप्रणाली है किस तरह से आप उस चीज़ को देखते हैं? जैसा WHO ने भी बताया चौथी लहर के लिए, बस ये है कि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है, मास्क लगा के रखें और हमेशा दिन में 2-4 बार जितना भी हो सके उतना हैंड वॉश करें, और जितना हो सके पब्लिक में, मतलब जितने नियम कानून, जितने भी कोरोना के नियमों का पालन है उनको करना जरूरी है, बहुत जरूरी है इस टाइम। देखिए, ये थे हमारे साथ दुकानदार जिन्होंने खासतौर पे बताया है कि जो ग्राहक आते हैं, खासतौर पे खरीदारी करने आते हैं, उनको ये समझाया भी जाता है कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए और खासतौर पे सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि लगातार जो गाइडलाइंस, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई भी किसी तरह से कोई दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, भारत ने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई और जो कि वैक्सीनेशन हर एक कंट्री में भी जा रही है खासतौर पर, तो जिस तरह से लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उसको लेकर काफ़ी चिंताजनक बात है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांव फूलावली में धर्मार्थ निर्माण कार्य के निर्माण कार्यक्रम में राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव और हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जमीन दान में देने वाले किसान का शुक्रिया अदा करने के साथ ही कहा कि दान दी गई जमीन पर जनता की भलाई के लिए निर्माण कार्य होगा, और किरावली के एक दानवी ने समाज के हित के लिए अपनी जमीन दान में दी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने इसका गणित लगाया और ऐसा लगाया कि लगभग 10 से 11 करोड़ के बीच में जनता ने दिया है, कुछ ना कुछ 10-10 रुपया भी दिया है। तो 10-10 रुपया देने वाले भी 4.5-5 करोड़ लोग अगर है देश में तो किसका नाम छोड़ेगा? इसलिए वहां किसी का नाम नहीं, ठाकुर जी का नाम है बस। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, इसी 3 तरह के कूपन थे और बाकी रसीदे थे। शेष आप लोग जानते होंगे हरिद्वारगंज में यहाँ कितना, किस तरह से किन लोगों ने। कानपुर में बरा थाना के जरौली गांव में ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जबकि प्रशासन ने कई बार इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, फिर भी कानपुर विकास प्राधिकरण और भूमाफियाओं की साठगांठ से इस जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई है, जबकि कानपुर में बरा थाने में पहले से ही इन भूमाफियाओं पर कई मुकदमे दर्ज है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आदेश किया था जिला प्रशासनों को कि जो है जो सरकारी जमीन, सरकारी तालाब, जहाँ हर तरह का ध्वस्ती जो है ध्वस्तीकरण करने का आदेश किया था, जो भूमाफियाओं कब्जे थे वो सारे कब्जे जो हैं जो है भूमि मुक्त ध्वस्तीकरण करके मुक्त कराना था। और आपको पता चला कानपुर के अंदर जो हम लोग खड़े हुए हैं, जरौली गाँव बना हुआ है, इस जरौली गाँव में 16 बीघा का जो है ग्राम समाज जमीन है, जो भूमाफिया है वो यहाँ पर लगातार जो है कि जो जो प्लाटिंग है, प्लाटिंग सरकारी ज़मीन में प्लाटिंग काटते चले जा रहे हैं, तबकि इस सरकारी ज़मीन पर कुछ साल पहले ध्वस्तीकरण हो चुका था। कई बार ध्वस्तीकरण के बाद भी माफिया इतने सक्रिय हैं, जो कि कानपुर विकास प्राधिकरण के जो कुछ अधिकारी जो मिली भगत के द्वारा जो माफियाओं की साठ गांठ है उससे यहाँ पर जो प्लाट लोगों का जो है जो फर्जी तरीके से प्लाट काट के बेचा जा रहा है, और जो है यहाँ पे जो प्लाट जो काटा गया है इस प्लाट के बावजूद भी जो है ये भूमाफिया इतने सक्रिय होते जा रहे हैं कि जो उन्होंने कहना साफ कहना है सरकार चाहे किसी भी हो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन से
खबर फरुखाबाद से है, जहां बड़पुर में क्रिश्चियन कॉलेज और शीतला माता मंदिर के सामने बनी दुकानों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और लगातार आठवें दिन भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अतिक्रमण के दौरान लोगों ने लेखपाल पर मोटी रकम मांगने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वासुदास चौराहे तक अभियान चलाया और इसमें कई ऐसी जगह थी जहाँ पर न्यायालय से बेदखली हो चुकी थी और करोड़ों की बेचने की जमीन हम लोगों ने खाली करा ली है और भविष्य अलीगढ़ में विकास कार्य पर अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत कौड़ियागंज की बोर्ड मीटिंग के दौरान नगर पंचायत के 11 सभासदों ने ईओ और चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कस्बे में गंदगी का अंबार लगा है, वहीं कई गलियों में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसी क्रम में सभासदों ने प्रदर्शन के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। जल भराव, इसमें मच्छर, इसमें वो तमाम जो महामारी आ गई, तमाम बीमारियों का वो बनना है ये घर। और सन 2020 से सन 2020 अक्टूबर का ये मेरे पास ये रहा वो एस्टीमेट है इसका ये। और आज तक इसमें कोई काम कार्रवाई ना है रही, जब ना कोई टेंडर लगा रही है, एस्टीमेट बनवा दिया उन्होंने, जय साबर का एस्टीमेट है ये रहा। बैठक के दौरान सभी माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभी संबंधित सभासद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ की गई। सभी सभासदों ने सहर्ष बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अनुमति अपनी मौखिक अनुमति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने उपस्थिति पंजिका पर दस्तखत किए, जो विधिवत कार्रवाई होती है। दस्तखत करने के बाद प्रस्ताव रजिस्टर रखा गया। उनकी जो मुख्य शिकायत थी वो विकास कार्य न होने की थी कि हमारे वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए। श्रावस्ती के भिनगा नगर के नई बाजार में व्यापारी अरुण प्रकाश आर्य के पत्नी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पैसे के लालच में नौकर ने ही व्यापारी की पत्नी ममता की हत्या की थी और आरोपी नौकर दीपू पहले भी जेल जा चुका है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने लूट के लगभग 1.5 लाख रुपए और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है और इस पूरे कांड का खुलासा करने वाली टीम को SP ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। संभल से है, जहां ईद और अलविदा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDM और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने देश में एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के कच्छिला इलाके के सेंट जॉन्स स्कूल में ARTO की दबंगई से 2 घंटे से ज्यादा नौनिहाल धूप में खड़े रहे। वहीं इस दौरान भगदड़ मचने से 2 बच्चे घायल भी हो गए हैं, जबकि ARTO की दबंगई का आलम यह है कि स्कूली वाहनों को स्कूल कैंपस के अंदर ही खड़ा करवाया और मजबूर होकर विद्यालय प्रशासन ने बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर जब घर भेजा और इस घटना से अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि बच्चों की छुट्टी करीब 11:30 बजे ही हो गई थी, लेकिन स्कूली वाहन में बच्चे नहीं बैठाए गए, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। गाजियाबाद में एक जो घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, जिसमें एक बच्चे की कैजुअल्टी हो गई, उसमें स्कूल बसों के खिलाफ शासन ने विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूल बसों को प्रॉपर स्कूल बसों में चलने लायक, जो स्कूल परमिट गाड़ियां ले लेंगी उन्हीं को चलने के निर्देश हैं, बाकी सभी ऐसे इलीगल गाड़ियों को रिमूव करना है हमें। उसी क्रम में आज सेंट जॉन्स स्कूल में आया था, मुझे सूचना लगी कि काफ़ी डग्गामारी है, सुबह मैं भोर का ही आया हुआ हूँ और इस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही है। मैं फादर फेलिक्स, सेंट जॉन्स स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आपके विद्यालय में क्या हुआ था, बच्चों को धूप में खड़ा किया गया था, क्या मामला था? आज सुबह अचानक 8 बजे हमारे चंदौली के RTO ऑफिसर आए थे, गेट के पास आकर उन्होंने स्कूल के फ़ोन से फ़ोन किया, कहा कि RTO ऑफिसर आए हैं, आके मिल लीजिए। मैंने उनसे कहा देखिए ऑफिस हैं, ऑफिस में आइए, हम बैठ के बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर आने से इनकार किया और दोबारा 30 मिनट के बाद फिर से फ़ोन करके बहुत ही रूडली बिहेव किया और कहा RTO ऑफिसर ने फ़ोन किया, आप नहीं आ सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए हमारा ऑफिस है सर, आइए बैठ के बातें करते हैं। तब उन्होंने कोई सीनियर टीचर को बुलाया, लेकिन सीनियर टीचर कोई खाली नहीं थे क्योंकि क्लास चल रही थी।
बाद में मैंने यही सोचा कि वो लोग अपना मामला निपटा के चले गए, लेकिन जब हम लोगों ने बच्चों की जब 11:30 को छुट्टी होती है, पता चला कि आरटीओ ऑफिसर वहाँ पे गेट के पास हैं। वास्तव में हमारे स्कूल में हमारी कोई निजी गाड़ी, स्कूल की गाड़ी नहीं है, जो भी गाड़ियाँ हैं पेरेंट्स अपने से तय करते हैं और पेरेंट्स। खबर गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से है, जहां साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि आग मैब्रिक इंजाइन नाम की फैक्ट्री में लगी है, जो कि एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। ये 2:30 बजे सूचना मिली कि मैब्रिक डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड है, साउथ साइड जीटी रोड में फैक्ट्री है, इसमें काम चल रहा था और थर्माकोल लगाने का, वेल्डिंग का भी काम चल रहा था, उसी में अचानक आग पकड़ लिया और केमिकल के ड्रम और पेंट वगैरह भी रखे हुए थे, जिससे आग ने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल फायर सर्विस 4 गाड़ियाँ भेजी गई और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। अगल बगल की फैक्ट्रियों में भी आग को फैलने से रोक दिया गया। कितनी भयानक थी आग और लगभग दमकल की कितनी गाड़ियां लगी? 4 गाड़ियां आई थी हमारी, आग को पूरी तरह। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।